इंडिया की जो भी एग्जाम्स थी वो मेरे 12th स्टैंडर्ड 11th 12th के मेन सिलेबस पर ही बेस्ड थी, तो मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का थरो रिवीजन किया था, उसके साथ हर एग्जाम की जो पास्ट पेपर्स थे उसमें से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा। उसने जितना सोचा वो सोच को सपोर्ट देना बेसिक योगदान है। बाकी तो मैंने अपने यहाँ पे क्लिनिक डेंटिस्ट्री है जो 3 साल के लिए बंद की थी और उसके साथ कोटा गई थी उसको सपोर्ट के लिए। अमेरिका की एग्ज़ाम्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना होता है, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अमेरिका की एप्लीकेशन प्रोसेस करनी थी वहाँ की कॉलेजेस में जाने के लिए। और फाइनली मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर 90% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला है, तो मैं नेक्स्ट 4 ईयर्स वहाँ पर PCMB को साथ में लेके फाइनली रिसर्च करूँगी। मुझे मानसिक बीमारियों पर रिसर्च करनी है ताकि मैं इंडिया का सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकूं और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकूं जो कि इंडिया की इकोनॉमी पर खरी उतरे और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकें।